ठीक है सुपर जेजे, मैं ईद के ऑफिस में जा रही हूँ, मेरे पास एक ब्राइट आइडिया है, मुझे उसे बताना है और तुम मेरा काम कर लेना। सनम तुम कहाँ जा रही हो, अभी लंच ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है मैं अभी टॉयलेट जा रही हूँ, अगर किसी ने पूछा तो बता दे। टॉयलेट जा रही हो, ये बहाना मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ, दोबारा नहीं यूज कर सकता। अरे तुम बस कहो ना, मैं वहाँ रहने के लिए थोड़ी जा रही हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके इधर आओ, इधर आओ गुफी, गुफी इधर आओ गुफी, अपना फोन भूल गई हो तुम, जल्दी आना। किस बात पर राजी हुए थे आखिर, मुझे समझ नहीं आ रहा वो मुझसे इंस्पायर कैसे हो गई, और एक ब्राइट आइडिया आखिर मैंने उसे हेल्प कैसे की, पर इसमें मेरा क्रेडिट तो है। डेरेन! भाई डायरेक्टर क्या कह रहे थे? उन्हें पसंद आया। उन्होंने पसंद किया, और आपको कौन नहीं पसंद करेगा, है ना? हाँ, चलो आ जाओ शॉप खोलते हैं। हेलो उस्मान, आयहान, तुम लोग इतनी जल्दी शॉप क्यों खोल रहे हो? तुम्हारे घर गया था कोई भी नहीं मिला मुझे, इसलिए यहाँ पर आ गया मैं। ये क्या कर रहे हो तुम उस्मान, तुम तो एक सेलिब्रिटी बन गए हो अभी, ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं सच कह रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी एड मैंने कम से कम 100 बार देखी है, मजा आ गया मुझे। तुम्हारी एड देखकर मुझे भी दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना मैं भी हमारी ऑर्गेनिक चीजों के बारे में एक एड बनाऊं, वैसा करने से हमारे बिजनेस में बहुत फायदा होगा, क्या कहते हो? ऑर्गेनिक चीजों की वैसे मैंने कभी भी इतनी एड देखी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे आकर पूछूं कि तुम मुझे कुछ आइडिया दे दो इस बारे में। ये काफी अच्छा आइडिया है। मुझे पता है अच्छा आइडिया, इसलिए मैं उस्मान के पास आया हूँ ताकि उसकी कुछ हेल्प ले सकूं। मैं तो सोच रहा हूँ कि उस्मान को ही ले लूं ऐड में, इससे ऑर्गेनिक और उस्मान दोनों जीतेंगे। सुनो आयहान, मुजफ्फर बहुत स्मार्ट है। क्यों चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो मुझे? अच्छा ठीक है, अगर मुझे ऐड में लेना है तो मेरे मैनेजर से बात करनी होगी पहले। ऑर्गेनिक की ऐड ना उस्मान, तुम्हारे करियर में बहुत ऊंचाई लाएगी सच में, और तुम ना भाई ऑर्गेनिक का चेहरा बन जाओगे, और तुम्हारी इमेज भी अच्छी हो जाएगी, लोग अगर ऑर्गेनिक को याद करेंगे तो उन्हें तुम्हारा चेहरा याद आएगा, ये बेस्ट आइडिया है। ठीक है एक काम करते हैं, मैं तुम्हें अपने मैनेजर का नंबर देता हूँ, तुम उनसे एक बार बात कर लो, क्या कहते हो? अरे तुम्हारे मैनेजर को तो मैं ऐसे मना लूंगा, हमारे पास बहुत पैसे है, देख रहे हो हमारे एड का बजट बहुत हाई है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए बस तुम उतना बता दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। ठीक है तो मेरा बजट है टोटल 1 लाख, तुम दे पाओगे? क्या ये ज्यादा नहीं है, तुम लोग साल भर मेरा चेहरा इस्तेमाल करोगे तो इतना बनता है? हाँ और टैक्सेस अलग से। हाँ लाख, 1 लाख, कितने जीरो होते उसमें? तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? हाँ भाई माना तुम फेमस हो, दोस्त को लूटोगे अपने, बहुत बदल गए हो तुम उस्मान, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तुम्हारा भाई, मेरे साथ ऐसा करोगे? ये उम्मीद नहीं थी तुमसे, मेरा भाई अब बदल गया। ओ सुपर, क्या बात है, बुक पब्लिसिटी का आइडिया तुम्हारा काफी ब्राइट है। रियली? यस। और मेरे पास नोट्स भी है, उसमें भी काफी कुछ है, मैंने उस पर भी काम किया था। देखो ये जो नंबर है वो मेरा फेवरेट नंबर है, इसे मैं फ्यूचर में इस्तेमाल करना चाहूंगा, ऑफ कोर्स तुम चाहोगी तो। और ये मेरा फेवरेट चॉकलेट केक है, मुझे एक और चाहिए। ऑलवेज। सनम, वैसे मुझे यकीन था कि एजेंसी का काम करके तुम्हारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। ना, शायद हमें इसे कैंसिल कर देना चाहिए, ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। डिटेल से काम परफेक्ट दिखता है, क्यों है ना, क्या बोलती हो? एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये सब मेरे लिए एक बिजनेस नहीं बल्कि मेरा सपना है, मुझे वो हर एक बुक पब्लिश करनी है जो मुझे पसंद है, मैं विजुअल पर काम करूंगा जो मुझे पसंद है। एक्चुअली ना मुझे 2 जगहों पर रहना है, एक है जंगल जहाँ बहुत सारे बर्ड्स हैं, और दूसरी बुक शॉप जहाँ बहुत सारी दुनिया भर की किताबें रखी हैं। 2 different places? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि हमेशा बुक्स को ऐसे बर्ड की तरह फ्री होना चाहिए, लोग बुक्स को खरीदते हैं और कबर्ड में बंद कर देते हैं, मुझे नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। तुम्हारा कहना है कि पंछिया की तरह भूख उड़नी चाहिए। हाँ, राइट। मुझे ना लोगों को अपनी फेवरेट किताबें गिफ्ट के तौर पर देना बहुत अच्छा लगता है, मैं जिनके ज्यादा क्लोज नहीं रहती मैं उन्हें भी दे देती हूँ, एक तरह से मैं उन्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। वो कितनी अच्छी बात है, वो मेरा सजेशन है, तुम बुक को पब्लिक प्लेस पे छोड़ दिया करो, अंडरग्राउंड, बसेस, ट्रेन, ताकि बाकी भी लोग पढ़ सके। हाँ, मोस्टली बसेस में। वही कर रहा हूँ। हाँ, मैं चाहती हूँ कि लोग वो बुक पसंद करें जो मुझे पसंद आती है। एक सेकंड।
वैसे मैं ऑफिस में कह के आई थी कि मैं टॉयलेट जा रही हूँ, तो अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। ओके, तुम्हारे साथ वक्त बहुत ही जल्दी निकल जाता है। हम फिर से मिलेंगे सनम, और अच्छी अच्छी बातें करेंगे और बुक्स के बारे में भी बात करेंगे। और केक बहुत ही यम्मी था। सी यू सनम। मुजफ्फर, मुजफ्फर। एक लाख, एक लाख। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है। एक लाख, ये एक लाख क्या होता है? लोग इतना कमाते, मैंने तो कभी नहीं देखा इतना पैसा। बाप रे बाप, मॉम की याद आ रही मुझे। मेरी मॉम। उस्मान, क्या तुम ठीक हो? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बिल्कुल ठीक हूँ मैं। जाओ जाओ जाओ, छोड़ो मैंने बोला ना ठीक हूँ। नहीं नहीं, अब ठीक है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है भाई, डोंट वरी। अगर तुम ठीक हो तो मैं अब चलता हूँ। नहीं, मैं अभी अभी मौत के दरवाजे को छूकर आया हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे हार्ट अटैक आ गया हो, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं खुश हूँ कि हम सब साथ में हैं। एक काम करते हैं, हम लोग एक सेल्फी लेते हैं साथ में। अच्छा भाई, सेल्फी ऐसे वक्त पर कोई सेल्फी लेता है क्या? चलो चुपचाप सेल्फी लो। अरे मैं भी आती हूँ ना। अरे तुम हटो यहाँ से, तुम हमारे फोटो में फिट नहीं हो पाओगी। तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुमने सुना, इसका दिमाग खराब हो गया। चलो हम ऑर्गेनिक शॉप के सामने हम दोनों ऑर्गेनिक सेल्फी लेते हैं विदाउट फिल्टर। चलो अब मुस्कुराओ। पर ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है। अरे हमारा हमेशा कुछ अलग रहता है। चलो रिकॉर्डिंग करते ना, इसमें गलत क्या है? चलो रिकॉर्डिंग करते हैं। मॉम, तुम्हें कहना होगा ऑर्गेनिक की मॉम, ठीक है? जो मैं कह रहा हूँ वही कहो, ऑर्गेनिक की मॉम। इतना तो कह सकते हो ना? तुम सिर्फ इतना भी कह दो तो मेरे लिए बहुत हो जाएगा, इतना तो कह दो। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन किया, हो रहा है। मुझो, नहीं ऐसा नहीं होता है। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी चाल। मैं तुम्हें मैनेजर का नंबर देता हूँ, तुम उनसे बात कर लो, ठीक है ना? सी यू, टेक केयर। अरे कहाँ जा रहे हो? यहाँ बैठो। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम्हारे भाई ने थप्पड़ मारा, तुम भी थप्पड़ मारी हो, ये हो क्या रहा? दोनों साथ में मार रहे हैं मुझे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत ही गलत बात है ये, समझते क्या है ये? तुम सेलिब्रिटी हो तो ऐसा बिहेव करोगे मेरे साथ? आंटी, मुझे लगता है कि हमारा कमर्शियल बनाने का सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा। पता है मुझे क्या हो रहा है? मैं फिर बेहोश होने वाला हूँ। यहाँ पर जो सो रहा है, चलो उठ, उठ। अरे याद है, आ जाओ आ जाओ, निकालो निकालो। चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो। मेरी सासू माँ मिसेस मैफ की, भाई ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या लगाया आपने मेरे हाथ में? ये क्या, डब्बे पे डब्बा? आखिर ये हो क्या रहा है? इससे मुझे एक सीरियल का डायलॉग याद आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। पता लगाना होगा कि इन डब्बों के पीछे आखिर राज क्या है। अंकल, निहत की शक्ल देख के लग रहा है कि उन्हें प्रेशर आया है, वो सुबह से गई नहीं लगता टॉयलेट। देखो जान, जैसे कि ये फोटोज, ये कितने ऑर्डिनरी लग रहे हैं। मतलब इनका एंगल, पर्सपेक्टिव कितना ऑर्डिनरी लग रहा है ना। और अब ये वाला, इसका भी पर्सपेक्टिव और एंगल देखते हैं। जब हम इसे इसके साथ कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि असली फोटोग्राफी ये है। मैं इसे प्रेफर करूंगी। हाँ, आप लोग क्या कहते हैं? तो जॉन, क्या कहोगे तुम? मुझे लगता है दूसरी पिक बेटर है। क्या, दूसरी वाली? अच्छा, मेरे पास एक और है दिखाने के लिए। जॉन, मुझे ये काफी एक्सपेरिमेंटल लगी। मिस्टर जॉन, मिस डेलिन चाहती है कि आप ज्वेलरी कैंपेन के विजुअल्स चेक करेंगे। लीजिए। पर तुम तो स्लोगन्स पर काम करने वाली थी ना? Yes, I did. मैंने आपको ईमेल भेजा है। हाँ, देखा और तुम्हें रिप्लाई भी किया। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर फिर से काम करो। आपने ईमेल क्यों भेजा? अगर आप अपना हाथ हिला देते तो मैं वहाँ से यहाँ आ जाती। हाथ वेव करूँ? हाथ वेव? तुम ईमेल्स चेक करती अगर तुम्हें इस काम में इंटरेस्ट होता, राइट? सही कह रहा हूँ ना मैं? मैं अपनी जॉब में इंटरेस्टेड हूँ। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, अच्छा नहीं है। हमें ऐसे स्लोगन्स की जरूरत है जो मर्दों को इन्फ्लुएंस कर सके। हमें ऐसे चाहिए, इसलिए तो हम उस पर काम कर रहे हैं, राइट? हमें उन्हें इन्फ्लुएंस करना है। मर्दों को इन्फ्लुएंस? लेकिन वो क्यों, जबकि ज्वेलरी पीसेस तो औरतों के लिए बनते हैं। पर उसे खरीदते तो मर्द ही है ना? क्या सिर्फ मर्द ही औरतों के लिए ज्वेलरी खरीदते हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मतलब अब हमारी कंपनी इस तरह के मैसेजेस को एम्फसाइज करेगी? हाँ, यही तो देखना है मुझे। यही तुम्हारा जो अग्रेसिव एटीट्यूड है ना, यही देखना है मुझे। अगली बार ना ऐसे ऑर्डिनरी स्लोगन्स मत लाना, यही रिबेलियस एटीट्यूड वाले जो स्लोगन्स है ना, कठोर वर्ड्स, वो लेके आना। हाँ, तुम क्या कह रही थी? जान, तुम्हें दूसरा वाला अच्छा लगा है ना? हाँ, कैसरोल, ओके, सही लग रहा है मुझे, सही है। क्या आप मैगजीन से खाना ऑर्डर कर रहे हैं? सनम, पोलन एक बुक प्रिपेयर कर रही है, हम उसी पर काम कर रहे हैं। वॉकिंग ऑन रोप। तुम्हें ये कितने दिया है क्या?
शायद हाँ, नहीं मुझे नहीं पता। मैं आजकल बहुत काम कर रही हूँ, मैं हर जगह बस बिजी बिजी रहती हूँ क्योंकि मैं दो दो जॉब एक साथ कर रही हूँ। वैसे मैं ज्यादा लिटरेचर पर काम कर रही हूँ, मुझे ज्यादा उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन आप सब लोगों के लिए ये अच्छा है, आप इसे अडॉप्टेड है ना। थैंक यू सो मच सनम। वैसे जान बहुत दिल लगा कि मेरे फोटोग्राफी वाले ऑफर पे काम कर रहा है, ये सब मैं जान के लिए ही लेकर आई हूँ सनम। अच्छा है, अच्छा है। अब मैं काम करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये काम 12 दिनों में खत्म करना है विद गॉड्स हेल्प। अच्छा, तुम्हें 12 दिनों में तो स्लोगन मिल जाएगा ना? डोंट वरी, मैं अच्छे से संभाल लूंगी, बस ये 12 दिन जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ठीक है, तो फिर हमने डिसाइड कर लिया है दूसरा वाला। हाँ बिल्कुल। कोई है क्या? मिस्टर निहाद, 1 किलो चावल और 1 लीटर ऑलिव ऑयल। मिसेस साहिबा, उस ऑर्गेनिक स्टोर से खरीदारी मत करना। नहीं, उनके प्रोडक्ट्स काफी महंगे हैं जो मेरे लिए अच्छा नहीं। अगर आप चाहो तो मैं भी कुछ दे सकता हूँ। क्या मतलब? क्या उनके जैसा सामान ऑर्गेनिक मैफ के भी जैसे है क्या? हाँ, पर वो लोग नहीं जानते कि मैं ऑर्गेनिक भी बेचता हूँ, वरना वो लोग मेरे बारे में चुगली करेंगे। आप जानती है कितने के हैं बताइए तो? वो लोग 50 में बेचते हैं, मैं 40 में। फिर मुझे चाहिए। आइए आइए आइए, इधर आइए, आइए, ये लीजिए, बैग में डालिए, छुपा कर रखना। और एक बात समझ लेना, किसी से कुछ भी कहना नहीं है। भला ऐसा क्यों करूंगी मिस्टर निहाद, बताइए। अगर किसी ने पूछा तो उनसे कह देना कि आपने किसी और दुकान से ले लिया है, पर मेरा नाम मत लेना। ठीक है, हमें बस सस्ते सामानों से मतलब है, और सब देखते हैं क्या होता है। ये सब क्या है, तुम चोरों के जैसे क्यों आए? सवाल तो मुझे पूछना चाहिए आपसे कि आखिर हो क्या रहा है। तुम इस औरत के साथ छुप कर क्या खुसर पुसर कर रहे थे, मुझे जानना है, देखो तो। हाँ वही ना। मिसेस सबीहा, बताइए क्या है इसके अंदर, बताइए 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 मुझे। ये क्या कर रहे हो? मैं सब समझ गया, ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल। आप ये सब क्या कर रहे हैं? क्या आप भी ऑर्गेनिक चीजों का बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, जरूर इन्होंने कहीं और से खरीदा होगा। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता, सच बोलने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि हम सब समझ चुके हैं ईमानदार आदमी ईमानदार बिजनेसमैन होता है। झूठ बोलने से किसी का कोई फायदा नहीं होता, एक झूठ बोलोगे तो 100 झूठ बोलना पड़ेंगे, इसलिए सच बता दो। निहाद, क्या तुम जानते नहीं कि हमारे यहाँ औरतें कितनी चुगली करती हैं? ये सब छुपने वाला नहीं है, सब पता चल जाएगा सबको। वैसे भी मिसेस सभी यहाँ मार्केट में जाती है और बताती कि ये लोग ऑर्गेनिक चीजें बेच रहे हैं और वो भी हमसे कम दाम में, तो क्या हमारे कानों तक ये बात नहीं पहुँचती? क्या समझते हैं आप? नहीं, ये मेरा नहीं है, मेरा एक फ्रेंड ने इसे यहाँ छोड़ दिया था, वो आएगा उसे ले जाएगा, इसलिए मैं इसे स्टैंड के नीचे छुपा दिया था। आंटी जरा ब्रांड तो देखिए, ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल है ये तो। बहुत बुरा। अंकल, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो चोरी हुई, साफ साफ चोरी। ये अच्छा नहीं किया आपने, मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को, कड़क कार्रवाई की जाएगी आप लोगों के खिलाफ। अरे मुझे नहीं पता। मिसेस सबिया, झूठ बोलना बंद कीजिए, ये लीजिए अपने पास रखिए, इसे बेचिए मत और खाने में डालिए और सेहतमंद और हेल्दी रहिए। चलो मुजफ्फर, कोई बात नहीं, इन्हें छुप कर ऑर्गेनिक सामान बेचने दो, ब्लैक मार्केट करने दो। चलो चलो हम चलते हैं, बेचते रहो मिस्टर नियाज, बेचते रहो ऑर्गेनिक माल, बेच रहे हैं। कोई बात नहीं, और तुम ना संभाल के यूज करना, ये पॉइजन है, पॉइजन, ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। क्या तुमने मेल भेज दिया? हाँ भेज दिया है, अब वो कस्टमर्स को भी भेजा है, और उसके बाद वो आ गए। पोलैंड डियर, तुम्हें पता है मैं सोच रही थी कि शायद तुम इसे घर पर बना सको, मतलब हमारे घर पर। क्या मतलब? आपके लिए? हाँ, हमारे लिए और सभी क्रिएटिव लोगों के लिए, और वो लोग उसे खाकर तुम्हें एक अच्छी एडवाइस भी देंगे। जान क्या कहते हो? ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे नहीं पता, क्या ये जरूरी है? क्योंकि इससे पहले भी ये सब बन चुका है, तो मुझे लगता है हमें बार बार वही की वही चीजें रिपीट नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, ये सेम नहीं हो सकता। इंग्लैंड में खाना बनाना और टर्की में बनाना दो अलग अलग बातें हैं, वहाँ सब कुछ अलग होता है। अब पोलैंड यही खाना टर्किश लोगों के लिए बनाएगी तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा, यू नो। हाँ ये सच है, टेस्ट में काफी फर्क पड़ता है, लेकिन मैं तुम हमारा किचन यूज कर सकती है, तुम्हें तो पता ही है, तो आज रात क्या कहती हो?
आज रात को जान की किचन में। क्या ये इतना मुश्किल है? अपना मुंह बंद रखो सनम। ये बहुत डिफिकल्ट है क्या? अगर तुम ये आठ बार देखोगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। हाँ? तो हमारे पास इतना समय है क्या? मैं हेल्प करूंगी, डोंट वरी, मैं हूँ ना। हाँ फिर ठीक है, अगर आप मेरी मदद करेंगी तो। वैसे डियर जान, ये एग्रीमेंट करके हमने एक अच्छा कदम उठाया है। अगर तुम कंफर्टेबल ना हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। देखो तुम जानती हो मैं कभी मना नहीं कर सकता, तो ठीक है। ओके डियर, तो चलो हम चलते हैं, हमें बहुत सारे काम निपटाने हैं। हाँ बिल्कुल। ओके सी यू लेटर। हे गाइस, मेरी बात सुनो, आज रात को जान के यहाँ डिनर पार्टी है और आप सब लोग इनवाइटेड हैं। ओके मॉम। सी यू, बाय। आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। बिल्कुल। अच्छा सनम सुनो, मैं नहीं आ रही। तुम आ रही हो ना? हाँ अब आप कह रहे हैं तो ठीक है। पहले तो तुम कह रही थी तुम नहीं जाओगी, अब क्या हुआ इतनी जल्दी बदल गई? मैं ऐसा सब क्यों कहूंगी? ओ अच्छा अच्छा। वो तो देखो जैसे गवर्नमेंट बन गई है, मतलब दिन में कितनी बार यहाँ आती है और मिस्टर जान उसे दरवाजे से यहाँ तक छोड़ने आते हैं। अरे उसे कहाँ साइंस कुकिंग क्वांटम के बारे में पता है, पर उसे दरवाजा कहीं नजर आता है तो जान को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अचानक से उसका प्लेन ऐसे इस्तांबुल में लैंड हो जाता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। खैर छोड़ो, एटलीस्ट मैं इनवाइटेड तो हूँ, पता नहीं मैं जाऊंगी या नहीं। तुम जाओगे क्या? हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर सबको आने दो। परफेक्ट, रियली इतने कम समय में कैसे बनाया होगा? 12, 13, 14, 15, 16। वेलकम। वैसे यहाँ रॉ मीट बॉल्स है क्या? वाओ कितना अच्छा सजा है ना। 16 पीसेस। ठीक है। देखो अब मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे इन्होंने मैक्सिमम सेम इंग्रेडिएंट्स यूज करके कैसे अलग अलग चीजें बनाई हैं। मतलब ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स सिर्फ चार है इसमें, शायद इसकी वजह है क्वांटम। मैंने क्वांटम जोक मारा लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। कोल्ड टेबल। ओके तो ये रही हमारी आखिरी डिश। एक्सक्यूज मी। हाँ ये आखिरी ही है। okay. बहुत टेस्टी। और 17। ब्रावो। yes, 17 डिशेस। माफी चाहती हूँ मैं सिर्फ इतना ही बना पाई, मेरे लिए टाइम सफिशियंट नहीं था। आप लोग स्टार्ट कीजिए, आपको जो भी पसंद आए और सर्विस। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके मैं यहीं से खाना शुरू करता हूँ। ओ रुको रुको, अरे क्या हुआ? ये प्रेजेंटेशन कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे लगता है हमें इसकी एक फोटोग्राफ लेनी चाहिए। जॉन क्या तुम इनकी एक फोटो ले लोगे प्लीज हमारे लिए? मुझे नहीं लगता ये जरूरी है और मेरी प्राइस काफी हाई है आप जानते हैं। जान यहाँ आओ ना प्लीज। देखो ना ये प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, लोग इसे टेस्ट करने का वेट कर रहे हैं। देखो ये शॉट कितना अच्छा रहेगा, आओ ना। पर लाइट अच्छी नहीं है, मैं कैसे क्लिक करूँ? थोड़ा देखो तो सही आजू बाजू। ओह कम ऑन, तुम कर सकते हो। अगर आप चाहती हैं तो मैं ये आपके लिए अरेंज कर सकता हूँ, मैं ये डेफिनेटली कर सकता हूँ। ओह लाइट चली गई। लाइट चली गई? सही कहा, लाइट ऑफ हो गई। रुको सनम वो मैं लेता हूँ, रुको। नहीं जे जे नहीं। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी। उसे ऑन करो। अरे मुझे करने दो, यहाँ रुको, उसे टच मत करो। अब ऑन रहेगा। जान डियर तुम्हारी मॉम सही कह रही है, अगर हम इनकी फोटोज अभी ले लेंगे तो बाद में ही मेरे काम आएंगे। लोग खाने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं, हमने और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो हम वैसे ही करेंगे। क्या हम ही फोटो में आएंगे? हाँ जॉन हमारे भी एक फोटो लो प्लीज। पोलिन गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ओह वेलकम। गुड इवनिंग। तुम कितने जेंटल हो। आप भी बहुत एलिजेंट। थैंक यू सो मच पोलिन। सनम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आओ ना यहाँ जाओ। Honestly, मुझे पिछली नॉवेल बिल्कुल पसंद नहीं आई, मेरे ख्याल से वो और बेहतर हो सकती थी। Interesting. तो तुम उस पर यकीन करती हो तो एग्जिट नहीं करना। नहीं मुझे राइटर पर ट्रस्ट है, अपनी फीलिंग्स पर ट्रस्ट है, मुझे लगता है जरूर कुछ अच्छा होगा। वैसे मुझे कुछ कहना था, पोलिन के बुक के लिए मेरे पास कुछ सजेशन है। सुपर, क्या बात है?
मुझे सुनना है तुम इस बिजनेस के बारे में क्यों सोचती हो? क्या तुम्हें बुक नहीं लिखनी है? वेरी बैड, मुझे नहीं पता, शायद मैं ये खा नहीं पा रही, मेरा पेट खराब है। वैसे बुरा है पर लोगों को देखो कितने मजे से खा रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत अच्छा है। सही में? पर मुझे लगता है कि तुम कुछ और कहना चाहती थी। हाँ, मुझे लगता है बुक में कई सारी रेसिपीज है, पर अगर हम बुक में से कुछ रेसिपीज हटा दे और कुछ ट्रेडिशनल मील्स डालकर हम उसे थोड़ा बेटर बना सकते हैं। मुझे भी ट्रेडिशनल फूड पसंद है। हाँ, अगर हम कुछ एलिमिनेट कर दे तो। हाँ, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। क्या हम पोलैंड से बात करें? नहीं नहीं, साथ में बात नहीं करते, वैसे भी वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करती और तुम उसके भाई हो, शायद तुम उसे अच्छे से समझा पाओ। ओके ओके, फिर मैं उससे बात करता हूँ, मैं अभी आता हूँ। बात करता है, तुम इन डिशेस के बारे में क्या कहोगी? बकवास, शायद मेरा पेट खराब है इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा होगा, और उस्मान के शॉप पर तो सब कुछ मिल जाता है और ये तो एकदम ऑर्डिनरी है। पिक्चर के बारे में भी आती हूं। ओके, वॉलंटियर, सच में ये ऑसम है। वाओ, सब कुछ कितना टेस्टी था, है ना जान? मुझे पता था कि पोलैंड बहुत स्पेशल है, पर इतनी स्पेशल है ये नहीं पता था। उसे सब कुछ परफेक्टली आता है, वो सब कुछ कर लेती है, कमाल है। हां, वो परफेक्ट है। सनम, अब तो तुम पब्लिशिंग वर्ल्ड में हो तो तुम्हें इसे बहुत केयरफुली देखना चाहिए और तभी अपना ओपिनियन रखना चाहिए। हाँ, मुझे यकीन है कि मुझे इससे काफी कुछ सीखने मिलेगा। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम ये जान से भी पूछ लेते हैं, देखते हैं इस पर इसकी क्या राय है। ओके, है ना? अभी आती हूँ मैं। आई हैव नो डाउट। जान सुनो। आ गई हमारी स्टार। जान सुनो ना, डेरिन के पास इस बुक कवर के लिए बहुत ब्राइट आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। अर्जेंट है क्या? हाँ। हनी, पोलैंड वाकई बहुत अच्छा काम कर रही है, स्पेशली फॉर क्लम्सी पीपल, यू नो। क्या तुम सोच भी सकती हो कि लोअर क्लास के लोग हाई क्लास लोगों जैसी डिशेस बना पाएंगे? अगर ऐसा होगा तो कमाल हो जाएगा ना। मैं वाकई बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, मेरे दिमाग में तो सारी रेसिपीज एकदम फिट है, मेरा दिमाग बहुत ही शार्प है। पर तुम्हारी माम तो कुछ और ही कह रही थी, वो कह रही थी कि तुम्हें तो अंडा फ्राई करना भी नहीं आता। वो ऐसा नहीं कह सकती। पर उन्होंने ऐसा कहा? नहीं, कहा था। एनीवे, तुम जाकर उनसे ही पूछ लेना। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकती, मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं है। क्या तुम भी परेशान हो लैला? नहीं, मुझे बस हवा चाहिए थी, बस बहुत भीड़ थी अंदर। वैसे तुम कह सकते थे कि तुम्हें बोर हो रहा है। हाँ। तुम पक्का ठीक हो ना लैला? यस मिस्टर एमरे। नहीं, तुम काफी उदास और थकी हुई लग रही हो। नहीं, मैं ठीक हूँ मिस्टर एमरे, मैं सच कह रही हूँ। यहाँ बहुत ठंड है, मुझे अंदर जाना। लैला, हम दोस्तों की तरह तो बात कर ही सकते हैं ना। मिस्टर एमरे, क्या हम फ्रेंड्स हैं? हाँ, क्यों नहीं है। मुझे लगा कि हम दोस्त हैं इसलिए मैं बात करने आ गया। क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मिस्टर एमरे? मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे से ऑनेस्टली और ओपनली बात करते हैं ताकि उनकी दोस्ती हमेशा बरकरार रहे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और हमने वो फेज पहले ही पीछे छोड़ दिया, हम उसमें सक्सेस नहीं हासिल कर पाए, इसीलिए अब हम सिर्फ दो बिजनेस फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं चलती हूँ। सनम, प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो तुम यहाँ पर रुक सकती हो। लैला, क्या हुआ? तुम मैं ठीक हूँ, मुझे बस घर जाना है। ठीक है, मुझे भी जाना है। ठीक है, मुझे तुम्हें कुछ और भी दिखाना है, एक मिनट रुको। मिसेस हुमा, हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम चलते हैं। जानहनी, सनम, क्या तुम भी जा रही हो? हाँ, मैं भी जा रही हूँ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मेरा पेट भी खराब है इसीलिए। चलो, लेट्स गो। इसमें से बताओ। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक्स। इधर देखो जान। हाँ, गुड बाय।
sonbahar gelir Kapanır çiçekler şehri hüzün basar Sen terk edince Bütün bayraklar çekilir Kısalır cümleler Görsen inanmazsın nasıl Durur bekler zaman yeniden dönmeni Milyon kez anlatsam Hayal edemezsin uçmaz kuşlar düşer Yapraklar sararır kitaplar Radyolar çalmaz küser bana Bütün bu हेलो हेलो अच्छा वहाँ पर है ओके तुम चेक कर लेना ठीक है सनम ईद हाय तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे पास एक अच्छी खबर है मैं तुम्हें वो ही बताने आया हूँ अच्छा क्या है हमने उस रात को एक राइटर से बात की थी तुमने कहा था कि वो एकदम बेहतर ही लिख सकता है हाँ हाँ और तुम उससे बात भी करने वाले थे हाँ अगले हफ्ते हम दोनों उससे मिलने जा रहे हैं Really? I'm so glad. ये वाकई में बहुत अच्छा है मैं बहुत ही खुश हूँ हाँ, ये सब क्या है सॉरी हमने आवाज किया हाँ थोड़ा सा मेरे पास सनम के लिए गुड न्यूज थी क्या हमारे कंपनी से रिलेटेड है क्या ओके दिस इज टू मच हमारी एजेंसी और यहाँ के लोग एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत है आई थिंक सनम भी वही सोचती है हमारे पास फिलहाल काम करने के लिए काफी कुछ है तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू जस्ट गेट आउट और तुम फिर कभी आके मिल लेना तुम सही हो मेरे पास एक सजेशन है क्यों ना तुम काम होते ही मुझसे मिलने आओ मैं तुम्हें फोन करके सारी डिटेल बता दूंगा और हम मीटिंग के लिए डिस्कस भी कर लेंगे क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारा वेट करूंगा नहीं सनम आज लेट तक काम करने वाली है कोई बात नहीं मैं ट्रांसलेशन में बिजी रहूंगा लेकिन मैं वेट कर सकता हूँ मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ भाई ओके सी यू मैं आपके लिए क्या लाऊं डेरन अंदर आ जाओ प्लीज Okay. सनम तुम भी गाइस सब यहाँ आ जाओ चलो कम ऑन एवरीबॉडी जल्दी से आ जाओ यहाँ पर जैसे कि आपको पता है रेड मोड कैंपेन हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है तो अब हम उनके सेकेंड लैब्स के लिए काम करने वाले ओके पर जान जितना मैं जानती हूँ ये 2 महीने बाद स्टार्ट होने वाला है मंथ खत्म होते देर नहीं लगती वो जल्दी खत्म हो जाता है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए हमारे पास और भी बहुत काम है राइट तो मुझे लगता है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए वैसे स्लोगन क्या था सनम अट्रैक्ट Impress and challenge. Bravo. तो ऐसा हम यहाँ लिख देते हैं नहीं, नहीं, हाँ बोलो ये मेरा countdown panel है इस पर सिर्फ मैं ही लिख सकती हूँ आप प्लीज कुछ मत लिखिए इस पर शोर मत करो ये पैनल वैसे भी यहाँ बिना मतलब के खड़ा है हम यहाँ गैदर हुए हैं और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं मैं ये पैनल यूज कर रहा हूँ और मुझे उस पर लिखने दो एक सेकंड हटो जरा प्लीज कितने सेल्फिश है अट्रैक्ट चैलेंज और क्या था इम्प्रेस ओके हाँ सो गाइस ये तीनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से काफी रिलेटेड है ये तीनों एक साथ चलते हैं ठीक है तो अगर इसमें से एक चला जाएगा तो दूसरा किसी काम का नहीं रहेगा पर मेरा ये मानना है कि इतना काफी नहीं है हमें ऐसे और वर्ड्स की जरूरत है जो एक दूसरे से रिलेटेड हो इस सेकंड लैब्स के लिए हमें कुछ और कॉन्सेप्ट पर एम्फसाइज करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा उसके तरीके ढूंढते हैं ठीक है सोचो जैसे कि क्या हो सकता है लॉयल्टी लॉयल्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है तो उससे सिमिलर और क्या हो सकता है उस पर दिमाग लगाओ उसके बारे में सोचो सर गुड बिहेवियर वेरी नाइस माय फ्रेंड अटैचमेंट हो सकता है लॉयल्टी अटैचमेंट ही काफी इम्पोर्टेंट है और कुछ ऑनेस्टी क्या बात है ब्रो वेरी नाइस लॉयल्टी अटैचमेंट ऑनेस्टी ये भी लिख लेता हूँ ओके तो
हमने कहा अट्रैक्ट, चैलेंज, लेकिन ये सब काफी नहीं है। हमें कुछ और भी सोचना होगा। हमें सब्जेक्ट की गहराई समझनी होगी। लॉयल्टी, अटैचमेंट, ऑनेस्टी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। सही कह रहा हूँ मैं? डैरेन, तुम्हें क्या लगता है? सनम, तुम भी बताओ। मैं इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। एम्बिशियस, पैशनेट, फायरी, डायनामाइट। डायनामाइट द बॉम्ब। हाँ डायनामाइट। हेलो। हे पोलन, वेलकम। ओह थैंक यू सो मच जान। ब्यूटीफुल लग रही हो। यू लुक सो एलिगेंट। मैं बिल्कुल चीखूंगी नहीं। वो बुक को लेकर मेरे मन में कुछ सवाल थे, मैं वही पूछने आई हूँ। लेकिन अगर आप लोग बिजी हैं तो मैं बाद में आती हूँ, ठीक है? वो चीखती होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। हम लोग बस एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, नए स्लोगन्स बनाने के लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे। पर तुम बताओ, तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा फ्री हूँ। मुझे चीखना नहीं है, पर अब हिचकी आ रही है। हाँ, वो मैं सेकंड वाले ऑप्शन के बारे में ही तो बात कर रही हूँ। नहीं, इसे मत रोको सनम, ये अच्छा नहीं होता। जितना प्रेशर है बाहर निकलना चाहिए, और जब वो प्रेशर बाहर निकलेगा तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बात मानो। पटाखा फूटता है। हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। वैसे देखो ना, ये बर्स्ट हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को डिस्टर्ब करूं। सनम, सनम, ऐसा लग रहा है जैसे मैं नशे में हूं। लगता है सब बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, तो मैं बाद में आती हूं, ठीक है जान? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मत जाओ सक्सेसफुल होने के लिए। मैं सनम को बस कुछ एडवाइस दे रहा था। मेरा मतलब है कि हमें एक्चुअली स्लोगन्स तैयार करने हैं उस सिलसिले में। हाँ हाँ, वैसे जान ने मुझे ये सिखाया है कि ये जो भी कहेंगे वो ही मैं करूंगी। ये वो आपसे वादा कर रही है? हाँ, हमने कुछ स्लोगन्स भी ढूंढे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी है, काफी इम्पोर्टेंट है, जिससे हम लोगों का अटेंशन गेन कर पाएंगे। मुझे पेन दीजिए, मैं वो आपको दिखाना चाहूंगी। ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम इसे मार्क करते हैं कुछ ऐसे, और फिर ये मुझे मुझे चक्कर आ रही है। ऐसे हम ये भी कर सकते हैं। ओ, ये टूट गया। Very good, सनम, मुझे लगता है तुम समझ गई हो। Continue doing that. पोलन, मेरे कैबिन में चलते हैं, वहाँ चलकर बात करेंगे। ओके। क्या हमें इससे पॉइंट्स मिलेंगे टीचर? अरे क्या हो रहा है इसे? ये देखो, मैं रुक गई। जैसे कि ये हमारे न्यू टाइटल, हमने ये स्पेसिफाई किए हैं। क्या बात है सनम, बहुत बढ़िया। चलो अब चलकर हमारा काम करते हैं। हाँ चलो चलो, आ जाओ यहाँ, आ जाओ यहाँ, आ जाओ। अरे आराम से, आराम से, चलो आ जाओ। मैं आज सुबह ब्यूटी पार्लर गई थी और मुझे वहाँ 5 ऑर्डर्स मिले हैं। देखो ये लो। ये लिस्ट तो एकदम पुराने जमाने की, बाबा आदम के जमाने की लग रही है मुझे। ये सब क्या है मॉम? मैं आपको सिखाता हूँ कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। आपको मेंबरशिप कार्ड के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन ये सब क्या है? ऑर्डर ऑर्डर होता है बेटा। देखो इसमें आयनूर हतीजे, इन्होंने ऑर्डर मांगा है। मैं एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऑर्गेनिक वर्ल्ड में हीरो के जैसे एंट्री मारना चाहता हूँ, लेकिन आप उस सिस्टम को खराब कर रही है मॉम। मैं कुछ भी अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन आप उसका उल्टा ही कर देती है। ये देखिए, ये क्या है? ये कोई भी काम आप ठीक से नहीं करती। आपके पास कोई विजन ही नहीं है। आप काम ठीक से नहीं कर सकती तो क्यों कर रही है मॉम? एक मिनट मुजफ्फर, देखो मुझे तुम्हारी मॉम नहीं पसंद, पर तुम इनसे इस तरह बात नहीं कर सकते। बस हम कुछ और बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बुरा बच्चा बताने के चक्कर में लगी हुई है। आप मेरी बात ना करें तो ही बेहतर है। अपने बच्चों की हरकत देखी है आपने? लैला और सनम क्या कर रहे हैं आपको पता भी है? पूरे मोहल्ले को ये पता है, लेकिन बुरा तो मैं हूँ ना मुजफ्फर, सबसे बुरा बच्चा, यही कह रही है ना? मेरा पीछा छोड़िए। क्या बोल रहे हो मुजफ्फर? अभी के अभी माफी मांगो, सॉरी कहो, सॉरी कहो मैं की बेको। ये सब क्या हो रहा है? तुम इस तरह बात नहीं कर सकते। हम कई सालों से यहाँ के पड़ोसी हैं। हम दोनों हमेशा आपस में बहस करते हैं, झगड़ते हैं, पर हम दोनों माँ हैं। लेडीज लेडीज सुनिए, एक काम करते हैं, मेरी बात गौर से सुनो। औरत बनकर आदमियों के बिजनेस में अपनी टांग मत डालो। ट्रेड करना हमारा बिजनेस है। इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, शॉप से बाहर निकलिए प्लीज। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। जाइए यहाँ से, जाइए ना प्लीज। मुजफ्फर, मैं यहाँ तब से काम कर रही हूँ जब तुम बहुत ही छोटे थे, इसलिए मेरा दिमाग मत खराब करो। ठीक है, हम एक काम करते हैं, तुम इसके बिजनेस पार्टनर बन जाओ। वैसे भी पैसे तो तुमने मुझसे लिए हैं, अब मैं ये शेयर रखती हूँ, ये मेरा है। अरे मॉम, आप कौन से शेयर की बात कर रही हैं? मेरी मिसेज मैफकी द प्रेसिडेंट कभी ऐसा नहीं करेगी मेरे साथ। अभी पता चल जाएगा। सुन, इसका हाथ पकड़ो, पकड़ो। ये क्या हो रहा है? अब ये देखेगा कि ऑर्गेनिक वर्ल्ड को हम सड़क पर कैसे फेंकते हैं। चलो, क्या कर रहे हैं आप? चलो चलो चलो, रुकिए रुकिए, देखिए ऑर्गेनिक वर्ल्ड की शुरुआत मैंने की है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं सुनिए मेरी बात, निकलो यहाँ से। धक्का मार के निकाल दिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके लिए अच्छा ही चाहूंगा और आपके लिए भी अच्छा चाहूंगा। हैव अ नाइस डे।
आ, मेरे प्यारे प्यारे ससुर जी, द ग्रेट मिस्टर निहार, दुनिया के सबसे अच्छे डैड, आई लव यू। प्रॉब्लम है क्या? चलो अंदर चलते हैं। नथिंग। ख्याल रखना सनीम। थैंक्स डियर। देखो अभी भी यहाँ है। हाँ। जी जी, मैं नीचे जा रही हूँ यीत के यहाँ। अगर कोई पूछता है जैसे कि मिस्टर जान के वो कहाँ है, तो कह देना कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर आपको क्यों इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ ऐसे कुछ। हाँ ओके। सनीम, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? जा रही हूँ, संभाल लेना। ओके सर, अब मुझे कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। क्या करूँ? फोन उठाओ मेरा, उठाओ 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 उठाओ, कम ऑन उठाओ। लगता है वो फिर से नाराज है। ठीक है, ऐसे ही बर्ताव करो तुम। शायद वो दुकान में काम कर रही होगी, शायद मैं उसके साथ गलत कर रहा हूं। तुम मुझे ब्लेम करते रहो जीजे। हाँ करो, अब से हमेशा ऐसे ही ब्लेम करते रहना। सारी गलती मेरी है। आयहन एक सेकंड रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखो अब मेरे साथ और ऐसे घटिया गेम्स मत खेलो, समझ गए? तुम अब से मुझे कॉल मत करना, कभी भी नहीं। आयहन प्लीज, सबसे पहले मेरी बात सुनो, फिर मुझ पर नाराज होना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ओके? मैं तुम्हारे दोस्त के लिए, सनेम के लिए तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ। अब इसमें सनेम से क्या लेना देना है? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहाने बना रहे हो, क्यों है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम कुछ नहीं जानती। देखो सनेम और मिस्टर जान का ब्रेकअप हो गया है। हाँ, उनका हसीन प्यार खत्म हो गया है। अब वो अपनी जिंदगी भर रोते रहेंगे और खुद को पूछेंगे कि आखिर क्यों 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 क्या हो रहा है। लेकिन हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? वो दोनों ही काफी स्टबर्न हैं। वो दोनों तो हम इस तरह का एंड नहीं चाहते। हमें इसके लिए कुछ करना होगा, हमें प्लान तैयार करना होगा। ओके, सुन रही हो ना तुम? तुम्हें ये सब क्या हो रहा है? तुम सब लोग मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? ओके ओके, आयहान प्लान तैयार करेंगे। ओके, सी यू, बाय बाय। मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछे थे जेजे। क्या हो रहा है? तुम मेरे सिस्टर के बारे में बात कर रहे हो। ऑफ कोर्स मैं भी क्यूरियस हूँ और मैं इसमें शामिल होना चाहती हूँ। क्या चल रहा है बताओ मुझे, मैं भी उसमें हेल्प करूंगी। हाँ बताओ क्या चल रहा है। मिस डेरेन, ये अचानक क्या हुआ? आप तो सनेम को हेड करती हो, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, अचानक क्या हो गया? अब आपको उस पर प्यार क्यों आ रहा है? अच्छा, वो मिस्टर यीगिट की वजह से है ना? तुम दोनों तो घोड़े की रेस की तरह उसके पीछे पड़ी हो। तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा, सनेम जैसी टक्कर देने वाली कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है। चुप रहो, तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मुझे उस इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। सनेम हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है और जान हमारे बॉस है। हम लोग उन दोनों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बस। हाँ वो मेरा भाई है, मैं भी हेल्प करूंगा। गुड, अब लोग यहाँ से चले जाओ। फाइल्स कहाँ पर है? वो फाइल दोगी मुझे प्लीज? काम पे लग जाओ, काम पे लग जाओ। वेरी ब्राइट फ्यूचर होता है। हाँ हाँ, अब कोई खतरा नहीं है, ये काफी है सेफ, ठीक है। सच में? हाँ हाँ। बाय द वे, लेला और मिस्टर एमरे, आपके प्रीवियस ट्रायल का एंड फियास्को में हुआ था और इस फियास्को के बारे में हम सब जानते हैं, ओके? किसकी वजह से जे? अब वो हमारा सब्जेक्ट नहीं रहा, वो किसके वजह से हुआ ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है। यस, आई एम सॉरी मिस्टर एमरे, आप मेरे बॉस हो, आप चाहो तो मुझे नौकरी से निकाल सकते हो, लेकिन अब मैं इस प्लान का लीडर हूँ। यस, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, अगर नहीं आना चाहते तो मैं अकेले ही करूंगा। हमें ऐसा प्लान करना होगा कि मिस्टर जान को पता ना चले, और आयहान भी जल्दी ही आने वाली है और हम प्लान करने वाले हैं, जो प्लान बहुत ही बढ़िया होगा। ओके, आई ट्रस्ट यू जीजे। थैंक यू, थैंक यू। अरे सारे फोन कॉल्स मुझे ही आंसर करने होंगे क्या? मैं ही ये काम करता रहूं। एक तो ये लाइट भी ठीक से काम नहीं करता, क्या करूं इसका? ये से पटकने पर भी कुछ नहीं होता, सब काम मुझे ही करना पड़ता है। कुछ भी काम हो बस जे 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 जे। हाँ बोलो, यहाँ क्या चल रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? बिजनेस बिजनेस, तुम्हारा यहाँ का काम कब खत्म कर रही हो तुम? हाँ लेकिन हाँ, तुम्हें तो नया जॉब भी मिल चुका है, मुझे नहीं मिला है। मुझे यहाँ से निकालने वाले हैं, अब मैं क्या करूँगा बताओ? I understand. तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तुम तो दो मिनट के बाद वापस आने वाली थी ना? ईद वहाँ नहीं थे, मिस्टर जान ने कुछ पूछा। कैसे पूछ सकते हैं? तुम तो सिर्फ दो मिनट पहले यहाँ से गई थी ना, और अब तुम यहाँ हो, वो कैसे पूछ सकते हैं? सनेम क्या बात कर रही हो? क्यों पूछेंगे भला। चलो अब हम सब अपने काम पर चलते हैं।
मिस्टर जान ने मुझे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा है। अब ये एजेंसी बहुत अग्रेसिव हो रही है, बहुत ज्यादा। मैं काफी थक गया हूँ सलीम, सच में बहुत थक गया हूँ। जीजे तुम ठीक तो हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ, क्या, क्यों, कहा, क्या, क्यों, क्यों? ठीक है, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। ओके क्या हुआ, तुम्हें निकाल दिया क्या? हाँ, धक्के मार के निकाला है मुझे, जैसे कोई फुटबॉल प्लेयर बॉल को किक मारता है वैसे ही। हाँ, सब कुछ खत्म, ऑर्गेनिक का बिजनेस वगैरह। वो ऑर्गेनिक सिस्टम तो मैंने ही बनाया, फिकर मत कीजिए, सिस्टम का इजाद मैंने किया है। सिस्टम नहीं होता तो बिजनेस नहीं होता। अरे बस सही टाइम पर चाय लाए, ये लीजिए चाय पीजिए, पीजिए। मिस्टर निहत के खाते में लिख दो। हाँ ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे अंकल, आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक सिस्टम के बारे में कि वो कैसे चलता है। आप चाहें तो मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ।